सुप्रभात। 11वीं क्लास में आज हम गृह विज्ञान सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कि मेरुदंड का क्या काम हमारे शरीर में बॉडी में मेरुदंड क्या करता है और हमें किस प्रकार से सहायता करता है या इसके क्या क्या कार्य हैं। ये हम मुख्य बिंदुओं पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, समझाएंगे उसको और पढ़ेंगे। हमारे मेरुदंड, मेरुदंड जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ये छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनता है और इन्हें कशेरुका कहते हैं। ये कशेरुकाएं 23 होती हैं। कितनी होती हैं? 23। ये देखेंगे हम इसकी रचना। ये छोटी छोटी कशेरुकाओं से मिलकर ये मेरुदंड बना। तो ये ग्रीवा की कशेरुका है। ग्रीवा का यानी गर्दन के पास की, जहां हमारी गर्दन होती है उधर के पास की ये वाली कशेरुका है। फिर सीने की वक्ष, सीने की कशेरुका है। वक्ष का पिछले भाग की, हमारे पीठ के पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है, पीठ के पीछे वाला हिस्सा, ये पीठ वाला हिस्सा, इधर की कशेरुका है, है ना। इस टाइप से ये एक के बाद एक लगी हुई रहती है। फिर देखेंगे हम कि आखिर में कटी कशेरुका है। फिर ये कटी प्रदेश बनाती है, यानी नीचे की तरफ चली जाती हुई ये कट जाती है। फिर त्रिक कशेरुका जो सक्रम बनाती है, सक्रम यानी एक इकट्ठी होकर आधार वाला नीचे का भाग बनाती है ये कशेरुका है। और फिर ऐसे करके मेरुदंड का अंतिम भाग टेल के समान, पूंछ के समान दिखाई देता है। इस टाइप से मेरुदंड की रचना पढ़ रहे हैं। फिर आगे देखेंगे कि मेरुदंड में और कितनी अस्थियां मिलकर बनाती है। ये कशेरुकाएं पहले किस प्रकार जमी रहती है कि नीचे की ऊपर एक के ऊपर एक होकर तैयार हो जाती है, सुषुम्ना नाड़ी से गुजरती है। वयस्क होकर मेरुदंड 71 सेंटीमीटर लंबा हो जाता, जैसे कि हमने अभी पिछले चित्र में देखा, ऐसे बना हुआ है ना, टाइप से ये बना हुआ है। फिर गर्दन की कशेरुका इसमें कितनी होती है अस्थियां मिलकर, कितने प्रकार की? 5 प्रकार की कशेरुका, गर्दन की, वक्ष की 12, कटे प्रदेश की 5, पूल्हे की 5, जिसको हमने बोला अभी सक्रम, सक्रम कशेरुका बोला ना उसको, क्या है यहाँ पर ये सक्रम कशेरुका जो हमने देखा चित्र में, वह ये कटी ये पूल्हे की कशेरुका है। फिर पूंछ की कशेरुका 4 होती है। ये टेल वाला भाग अभी हमने जो पिछला देखा चित्र में, ये टेल वाला भाग उसको पूंछ के समान होता है, ये होती है। इसमें कितनी? 4 कशेरुकाएं होती है। इस प्रकार से फिर मेरुदंड हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है उसके बारे में हम देख रहे हैं कि मेरुदंड पोली नली में सुषुम्ना को सुरक्षित रखती है। मेरुदंड के कारण सिर आधार स्थिति में रहता है, अकड़ी हुई स्थिति में या ढली ढाली स्थिति में क्षति में नहीं रहता है। फिर शरीर की सभी अस्थियां किसी ना किसी रूप में मेरुदंड से जुड़ी रहती हैं। मेरुदंड के लचीलेपन के कारण धड़ पर होने वाले आघात से तुरंत मस्तिष्क को चोट नहीं पहुंचती, यानी मेरुदंड हमारे पूरे एक एक शरीर की नसों की हड्डियों की रक्षा करने में सहायक रहता है। मेरुदंड हमारा शरीर का आधार है, प्रमुख आधार है। मेरुदंड के टेढ़ेपन के कारण सिर पर बोझ का संतुलन बनाए रखा जा सकता है। मेरुदंड अनेक कशेरुकाओं से बना होता है, इसलिए शरीर को हम आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। फिर मेरुदंड के कारण ही अस्थि बंधन, लिगामेंट और स्नायु को आधार प्रदान होता है। ये आधार लिखा हुआ है। मेरुदंड से ही शरीर को आधार प्राप्त हो, तभी हम सीधे बैठ सकते हैं, यानी बैठने में भी हमारा मेरुदंड ही काम करता है। हमने अभी मेरुदंड के बारे में, बच्चों ये आपको कॉपी में लिखना है और याद करना है, क्योंकि परीक्षाओं में इन क्वेश्चन जितना भी हम पढ़ा रहे हैं उससे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं।